दोस्तों जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार था ये वही वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल 2019 की जो आठवीं टीम्स हैं आईपीएल 2019 के ऑक्शन के बाद कौन सी टीम कितनी मजबूत बनी है, कौन सी टीम कितनी कमजोर है और कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को जीतने वाली है, आईपीएल 2019 पर कब्जा करने वाली है। तो अगर आप भी मेरी तरह आईपीएल 2019 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आठवीं टीम्स में से सबसे स्ट्रांग और सबसे वीक कौन सी है, तो हम सभी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने वाले हैं। नंबर 8 की टीम की बात करते हैं जो है राजस्थान रॉयल्स। इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो ताकत है, इसको अगर हम देखते हैं तो इनके ओवरसीज प्लेयर्स अच्छे हैं। पहला बड़ा पॉइंट जहां पर है जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, स्टीवन स्मिथ, उसेन थॉमस को भी इन्होंने ऑक्शन के दौरान खरीदा है। तो इनकी ताकत जो है वो है ओवरसीज प्लेयर्स, साथ ही साथ इनके पास अच्छा कप्तान है, स्टीवन स्मिथ वापसी कर चुके हैं। लेकिन इनकी वीकनेस की बात करते हैं तो इनकी टीम में कोई भी इंडियन बड़ा नाम नहीं है जो इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे एकमात्र इंडियन बैट्समैन में यहाँ पर सबसे बड़ा नाम है और वो भी इस समय टीम से बाहर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन एक्सपीरियंस्ड के चलते यहाँ पर वीकनेस है ये राजस्थान रॉयल्स की टीम। नंबर 7 की टीम की बात करते हैं जो है दिल्ली कैपिटल्स। यहाँ की एक ताकत और कमजोरी आपको जिस प्रकार से लेना हो इस बात को आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स नहीं है। शिखर धवन को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन इनके अलावा कोई भी बड़ा दिग्गज यहाँ पर नहीं है। इन्होंने यंग बैट्समैन को मौका दिया है और इन पर ही भरोसा दिखाया है। एक और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है गुड फास्ट बॉलिंग अटैक। फास्ट बॉलिंग अटैक में आप देखते हैं तो ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाड़ा, हर्षल पटेल, आवेश खान काफी दिग्गज फास्ट बॉलर्स हैं यहाँ पर। मिडिल ऑर्डर भी इनका अच्छा है, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कॉलिन इनग्रम, सेरफेन रदरफोर्ड, यानी काफी तगड़ा इनका मिडिल ऑर्डर है। लेकिन वीकनेस यही है कि इंडियन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स यहाँ पर नहीं है। नंबर 6 की टीम की बात करते हैं तो नंबर 6 पर नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद का। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इनके सुपर्ब ओवरसीज प्लेयर्स हैं। आठों ही ओवरसीज प्लेयर्स में से किसी को भी प्लेइंग 11 में मौका दे दें, 4 परफॉर्म करने वाले हैं और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। और इनकी जो सबसे बड़ी ताकत रहती है वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट। सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप, चाहे आप कह लें फास्ट बॉलिंग अटैक को या कह लें स्पिनर्स को, कुल मिलाकर बॉलिंग लाइनअप इनकी काफी अच्छी है, जो कि सामने वाली टीम को काफी मुश्किलों का सामना करा सकती है। नंबर 3 की स्ट्रेंथ है ये इनकी गुड कैप्टेंसी। केन विलियमसन लास्ट ईयर इनको फाइनल्स तक लेकर गए थे और पूरा सीजन इनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था। अब साथ साथ इनके डेविड वार्नर फॉर्मर कैप्टन भी आ चुके हैं, यानी कैप्टेंसी के मामले में कोई भी कैप्टेंसी करे टीम स्ट्रांग ही रहने वाली है। नंबर 5 की टीम की बात करते हैं जो है किंग्स 11 पंजाब। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इनके अग्रेसिव ओपनर्स हैं, काफी अच्छा मिडिल ऑर्डर है। ओपनर्स में आप अगर देखते हैं तो ओपनिंग केएल राहुल और क्रिस गेल ही करने वाले हैं, साथ ही साथ मयंक अग्रवाल मौजूद है। लेकिन इनकी दो ही स्ट्रेंथ है कि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, चाहे आप मिडिल ऑर्डर की बात कर ले, टॉप ऑर्डर की बात कर ले। और इनकी वीकनेस है वो ये है कि फास्ट बॉलर्स नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रयू टाय, अंकित राजपूत हाल फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छे फास्ट बॉलर्स यहाँ पर भी नहीं है। दोस्तों नंबर 4 की टीम की बात करते हैं जो है कोलकाता नाइट राइडर्स। इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है क्योंकि आठों ही आईपीएल की टीम में सबसे स्ट्रांग ओवरसीज प्लेयर्स यहाँ पर ही हैं। पावर पैक ओवरसीज प्लेयर्स यहाँ पर ही हैं और जो टॉप 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो हैं आंद्रे रसल, क्रिस लिन, सुनील नारायण, कार्लोस ब्रैथवेट। ऐसे दिग्गज किसी और टीम में नहीं है और यही इनकी स्ट्रेंथ है। इनकी वीकनेस अगर हम देखते हैं तो जो वीकनेस इनकी आईपीएल 2018 में थी वही 2019 में रहने वाली है। एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स अभी भी नहीं है। हालांकि लॉकी फर्गुसन को इन्होंने टीम में शामिल जरूर किया है, लेकिन
अभी भी इनकी यही कमी है कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पर नहीं है एक्सपीरियंस्ड। नंबर 3 की टीम की बात करते हैं जो है मुंबई इंडियंस। इनकी टीम काफी स्ट्रांग बन चुकी है लेकिन अभी भी इनके डिपार्टमेंट में कमजोरी नजर आती है। इनके स्ट्रेंथ के बारे में हम देखते हैं तो गुड एक्सपीरियंस्ड ओपनर्स हैं। लास्ट ईयर इनके पास एक ओपनर तो था एवन लुइस, लेकिन रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और जिस कारण से एक ओपनर नहीं था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन इसके बावजूद भी 2019 के ऑक्शन में इन्होंने या कहें पहले ही एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर को अपनी टीम में शामिल कर लिया जो है क्विंटन डीकॉक। यानी एक्सपीरियंस्ड ओपनर से यहाँ पर हो गए, मिडिल ऑर्डर भी काफी अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस्ड रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह, तो बैटिंग लाइनअप तो काफी अच्छी है। इनकी वीकनेस यही है कि स्पिनर्स अटैक इनके पास अभी भी एक्सपीरियंस्ड नहीं है। मयंक मार्कंडे टीम में जरूर है और इसी कारण से इनके पास स्पिनर्स की कमी थी। जयंत यादव को हाल ही में ट्रेड किया गया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से, लेकिन अभी भी इनकी यही कमी है कि अच्छे स्पिनर्स नहीं है। नंबर 2 की टीम की बात करते हैं जो है चेन्नई सुपर किंग्स। इनकी स्ट्रेंथ यही है कि टॉप क्लास कैप्टन है यहाँ पर MS धोनी, वर्ल्ड के सबसे अच्छे कैप्टन है और कोई भी मैच खास तौर पर T20 का डिपेंड करता है इनकी कैप्टेंसी पर। साथ ही साथ सारे प्लेयर्स इनके एक्सपीरियंस हैं, यही इनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस को अगर हम देखते हैं तो इसी को भी आप वीकनेस कह सकते हैं कि सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, जिस कारण से यंग और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का बैलेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये कोई बात ज्यादा खलती नहीं है क्योंकि IPL 2018 में इन्होंने इस बात को बिल्कुल क्रॉस करके रखा है कि यंग प्लेयर्स T20 मैचेस जिताते हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के होने के बावजूद भी ट्रॉफी उठाई है। नंबर 1 की टीम की बात करते हैं जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दोस्तों मुझे तो इस टीम की एक भी वीकनेस नजर नहीं आई क्योंकि जो भी इनकी वीकनेस थी सारी इन्होंने दूर कर ली है IPL 2019 के ऑक्शन में। तो इसमें हम स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं। अग्रेसिव ओपनर्स हैं इनके पास, सिमरन हेटमायर, पार्थिव पटेल ओपनिंग करने वाले हैं, अग्रेसिव सेंसिबल मिडिल ऑर्डर है, विराट कोहली एवी डिविलियर्स हैं, इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स हैं, मोइन अली, कॉलेंडी ग्रैंडहोम, नेथन कुल्टर नाइल, फास्ट बॉलर्स भी इनके अमेजिंग हैं, चाहे आप बात कर लें इंडियन प्लेयर्स की या फिर ओवरसीज बॉलर्स की। टिम साउदी, उमेश यादव काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी RCB की टीम नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि अभी तक तो इनकी हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से RCB की टीम में क्या कमी है, किस मामले में RCB की टीम कमजोर है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च की गई है तो आप अभी इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। आई होप आप IPL 2019 के फैन होने के नाते इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ कुछ और IPL से रिलेटेड वीडियोस, न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।